प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आओ विद्यार्थियों, आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो में संकलित पाठ दो दादी माँ, जो कि एक कहानी है और लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। आप देख भी रहे हैं दादी माँ का दृश्य और लेखक शिव प्रसाद सिंह का दृश्य आपके समक्ष रखा गया है, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ और लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। प्यारे बच्चों, मेरी इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे दादी माँ पाठ अर्थात कहानी का सार। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, इसका आपके समक्ष एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप समझ पाएंगे कि इसी प्रकार यदि और गद्यांश आपको व्याख्या के लिए दिए जाते हैं तो उसकी व्याख्या आप किस प्रकार करोगे। इसके अतिरिक्त पाठ में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन आप समझ पाएंगे, अर्थात जो दक्षताएं व्याकरण की आपको आनी चाहिए, आपको उन दक्षताओं में पारंगत होना चाहिए, उनका भी आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और अंततः दादी माँ पाठ अर्थात कहानी का मूल भाव या उद्देश्य भी आप समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके समक्ष दादी माँ कहानी का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे ध्यान से सुने तथा समझें, ताकि प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। प्रस्तुत कहानी लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनकी दादी माँ अपने परिवार की मुखिया थीं। वह पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी। दादी की छत्र छाया में सभी निर्भय हो जाते थे। यहाँ विद्यार्थियों, सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास आया है। आगे देखिए, लेखक थोड़ी सी कठिनाई में घबरा उठता था। लेखक के मित्र उसके सामने उसकी प्रशंसा करते थे, किंतु पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे अवसर पर उन्हें दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक बताता है कि वर्षा काल में वर्षा के पानी के साथ कई प्रकार की घास बहकर आ जाती थी। धूप पड़ने पर वह घास सड़ने लगती थी। उस समय उसमें से अलग ही तरह की गंध आती थी, किंतु कुवार कुवार के महीने तक पानी कुछ निथर जाता था। गांव के लड़के उस झागदार पानी में खूब नहाते थे। लेखक उस वर्ष बीमार पड़ जाने के कारण दो बार ही झागदार पानी में नहा सका था। उस बार उन्हें ऐसा बुखार आया था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी माँ बुखार उतारने के कई टोटके करती। दादी माँ ने लेखक की बहुत देखभाल की थी, अर्थात जब उन्हें बुखार हुआ तो उनकी सेवा और उनकी देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था, अर्थात जिसने उनकी देखभाल की, वह थी दादी माँ।
वह हर प्रकार की बीमारी के लिए देसी नुस्खे जानती थी। दादी माँ को घर में पड़ी गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। बीमार आदमी की चादर और गिलाफ हर रोज बदले जाते थे। तो विद्यार्थियों, लेखक जब बीमार पड़ा तो उसकी देखभाल किसने की? दादी माँ ने। इसे अच्छी तरह समझ लें ताकि प्रश्नोत्तर में आप इनके उत्तर सही दे सकें। आगे देखिए, किंतु लेखक जब बीमार पड़ता है तो उसका डॉक्टरी इलाज होता है। लेखक लिखता है कि उनके बड़े भाई किशन की शादी के समय तो दादी का उत्साह देखते ही बनता था। अब आपके समक्ष उनके बड़े भाई का नाम आया है किशन। उनके विवाह के समय जो है दादी का उत्साह देखते ही बनता था। यदि कोई बुलाने आता तो वे कह देती कि काम काज का घर है, उनके बिना कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष दादी के जो चरित्र के अर्थात उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। ध्यान से सुने। दादी ऊपर से जितनी कठोर थी, हृदय से उतनी ही उदार थी। दादी रामी की चाची को एक रोज इसलिए डांट रही थी कि उसने पहले उधार लिए हुए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि और पैसे मांगने चली आई थी। किंतु लेखक को पता चलता है कि कुछ दिन पहले दादी माँ ने उसका पहला कर्ज माफ कर दिया और उसकी लड़की के विवाह के लिए 10 रुपये भी दे आई थी। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि दादी माँ जितनी कठोर थी ऊपर से हृदय से उतनी ही वे उदार थी, कोमल थी, लोगों का भला करने वाली थी। तो हमें भी समाज में रहते हुए लोगों का भला करना चाहिए। यह इस कहानी का उद्देश्य है जो लेखक शिव प्रसाद सिंह ने पाठकों तक पहुंचाना चाहा है। आगे देखें। किशन की शादी के समय कई दिनों तक गीत गाए गए थे। विवाह वाली रात को बारात जाने के बाद अभिनय किया गया था। लेखक बुखार आने के कारण अर्थात बुखार से पीड़ित होने के कारण और लेखक के मामा का बेटा देर से पहुंचने पर बारात में नहीं जा सका था। दादी माँ ने उन दोनों को वहां सुला दिया था। औरतों ने जब ऐतराज किया तो दादी माँ ने कहा कि ये दोनों छोटे लड़के हैं और छोटे लड़कों और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। उतार और चढ़ाव, यहां भी द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। वह यह भी जानती थी कि जीवन का चक्र जाने कब उलट जाए अर्थात कब पलट जाए। वह दादाजी की मृत्यु के बाद निराश रहने लगी। यह प्रकृति का नियम है, जब किसी का देहांत हो जाता है तो घर का सदस्य निराश रहने लगता है। उसे लगता था कि यह संसार केवल एक धोखा है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में खूब खर्च किया और वह भी उधार रुपए लेकर। दादी माँ अपने कमरे में से एक कंगन लेकर आई और पिताजी को दिखाते हुए कहा कि तेरे दादाजी ने यह कंगन ऐसे ही समय के लिए बनवाया था। दादी माँ पूजा पाठ अर्थात पूजा और पाठ, या अन्य शब्दों में पाठ पूजा, पाठ और पूजा, यहां भी द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, में भी बहुत विश्वास रखती थी।
इसलिए एक दिन शाम को गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उनके सामने बैठी थी। आप देख भी रहे हैं दृश्य में कि किस प्रकार दादी माँ एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी हुई हैं। लेखक भी चुपके से उनके पास बैठ जाता था। उन्होंने देखा कि दादी की आंखों में आंसू थे। लेखक ने दादी माँ को रोता हुआ पहली बार देखा। पूछने पर बात टाल गई। लेखक घर से बाहर था। किशन भैया का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी स्मृति में दादी माँ का धुंधला सा चित्र उभर आया था। तो विद्यार्थियों, यह था दादी माँ कहानी का सार। अब मैं आपके समक्ष दादी माँ कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आगे आने वाले कठिन शब्दों के अर्थों को आप ध्यान से सुने ताकि कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करने में आपको आसानी हो सके। आओ विद्यार्थियों, दादी माँ कहानी के कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। सबसे पहला शब्द है कठिनाई। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का अर्थ है भला चाहने वाला। प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीत स्थिति। घबराने वाला, इसका अर्थ है डरने वाला। बरबस। बरबस का अर्थ है एकाएक। मजाक। मजाक का अर्थ है हंसी। स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ है साफ। धुंधली। धुंधली का अर्थ है जो साफ न हो। अगला शब्द है विचित्र। विचित्र का अर्थ है अनोखा या अनोखी। जलाशय। जलाशय का अर्थ है तालाब। अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है दिखाई ना देने वाला या दिखाई ना देने वाली। ज्वर। ज्वर का अर्थ है बुखार। विलंब। विलंब का अर्थ है देरी, अर्थात देरी से। निस्तार। निस्तार का अर्थ है उद्धार। भंडाफोड़। भंडाफोड़ होना अर्थात भेद खुल जाना। परेशान करना, इसका अर्थ है तंग करना। महामारी। महामारी का अर्थ है बड़ी बीमारी। अगला शब्द है तिताई। तिताई का अर्थ है कड़वा पन। अभेदान मिलना। अभेदान का मिलना का अर्थ है माफी मिलना। वात्या चक्र, इसका अर्थ है तूफान। मुंह में राम बगल में छुरी। विद्यार्थियों, यह लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति है जिसका अर्थ है ऊपर से दोस्ती का व्यवहार और मन में शत्रुता का भाव रखना। नाक रगड़ना, खुशामद करना, यह एक मुहावरा है। अतुल। अतुल का अर्थ है अत्यधिक। शाप भ्रष्ट, इसका अर्थ है शाप से प्रभावित। तो विद्यार्थियों, ये थे दादी माँ कहानी में आए कुछ एक प्रमुख कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या
किस प्रकार की जाती है उसका एक उदाहरण देखेंगे। मैं आपके समक्ष पूरी कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ समयावधि के कारण, परंतु कहानी का एक गद्यांश उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने तथा समझें ताकि अन्य गद्यांश यदि कोई आ जाता है तो उसकी व्याख्या और विशेष किस प्रकार लिखना है, प्रसंग किस प्रकार लिखना है, वह इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो मैं आपके समक्ष गद्यांश पढ़कर सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो यह संदर्भ लेखक ने अपने लिए कहा है। आओ इसका प्रसंग, इसकी व्याख्या तथा इसका विशेष किस प्रकार लिखा जाएगा मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो में संकलित पाठ दो दादी माँ नामक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन की कमी के बारे में बताया है। वे यहाँ कहना चाहते हैं कि आगे हम व्याख्या में इसके बारे में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रसंग के अंतर्गत ध्यान से सुने, पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम तथा लेखक या लेखिका का नाम आना होता है, अर्थात ये लिखने होते हैं। इसके साथ ही उस गद्यांश में लेखक या लेखिका मूल रूप से क्या कहना चाहता है या चाहती है वह भी लिखना होता है। व्याख्या। लेखक बताता है कि यह मेरी कमजोरी ही है कि जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर मेरा मन उदास हो जाता है, जबकि मैंने जीवन में बीसों गर्मी, सर्दी, वर्षा और वसंत देखे हैं, अर्थात जीवन का अनुभव प्राप्त किया है। जब मैं उदास होता हूँ तो मेरा भला चाहने वाले मेरे मित्र मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, किंतु वे लोग मेरी पीठ पीछे मुझे कमजोर और थोड़ी सी कठिनाई आने पर घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहने का भाव है कि लेखक के मित्र उसकी कमजोरी के कारण उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो विद्यार्थियों, यह था गद्यांश का सरलार्थ या गद्यांश की व्याख्या। आओ अब हम देखते हैं कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक गद्यांश के कौन से विशेष पक्षों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। विशेष। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने जीवन की कमी का उल्लेख किया है। दूसरा पॉइंट है आपके समक्ष, लेखक ने अपने मित्रों के व्यवहार का भी वर्णन प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार वे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाषा सरल, सहज तथा प्रसंगानुकूल है, अर्थात प्रसंग के अनुकूल है। विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग हुआ है, कहीं अल्प विराम लगा है, कहीं पूर्ण विराम लगा है। कारक चिन्हों का सटीक प्रयोग हुआ है,
जैसे पर, सी, की तथा के लिए विभक्ति चिन्हों का अर्थात कारकों का प्रयोग देखते ही बनता है। अधिकरण कारक का, संबंध कारक का, संप्रदान कारक का, संबंध कारक का प्रयोग यहाँ हुआ है। विद्यार्थियों, मैंने आपके समक्ष सर्वप्रथम कहानी का सार रखा, उसके उपरांत कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थों को प्रस्तुत किया और उसके उपरांत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित किस प्रकार की जाती है इसका भी एक उदाहरण आपके समक्ष रखा। अब कहानी में आए विभिन्न व्याकरणिक बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। लोकोक्ति, पहला व्याकरणिक बिंदु है लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति शब्दों के से मिलकर जो है बना है, उसके उनके मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। इसे कहावत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कथन की स्पष्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे दूध का दूध पानी का पानी होना, चोर की दाढ़ी में तिनका होना। इसके अतिरिक्त मुंह में राम बगल में छुरी तथा थोता चना बाजे घना, ये सभी उदाहरण लोकोक्तियों के उदाहरण हैं। और इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने जिस लोकोक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है वह है मुंह में राम बगल में छुरी। दूसरा व्याकरणिक बिंदु है आपके समक्ष द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर जो विग्रह करते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पूजा पाठ पूजा और पाठ, हाथ पैर हाथ और पैर। इसी प्रकार विद्यार्थियों माता पिता माता और पिता, सुख दुख सुख और दुख, ऊंच नीच ऊंच और नीच, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तीसरा व्याकरणिक बिंदु है पुनरुक्त शब्द। ध्यान से सुने, जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है तब उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे घर घर, छोटी छोटी, बार बार, कैसी कैसी, कण कण आदि। जब एक शब्द दो बार आता है तो उसे व्याकरणिक दृष्टि से पुनरुक्त शब्द कहते हैं। इसके कारण कथन में रोचकता आती है, सुंदरता आती है, रमणीयता आती है। अब आपके समक्ष दादी माँ कहानी का मूल भाव या उद्देश्य मैं रखने जा रहा हूं, इन्हें ध्यान से सुने। इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी माँ के गुणों का उल्लेख किया है। आपने कहानी के सार में सुना भी है और समझा भी है। लेखक ने हमें दादी के समान अच्छे काम करने की प्रेरणा दी है। वे हमें यह प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार दादी ने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं उसी प्रकार हमें भी उनसे सीख लेते हुए समाज में अच्छे काम करने चाहिए। लेखक ने मुसीबत के समय गरीबों की सहायता करने की भी प्रेरणा
दी है, जिस प्रकार दादी जी सहायता करती थी। लेखक ने कहानी के माध्यम से बताया है कि हमें मुसीबत के समय या कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, और अंततः लेखक ने बताया है कि हमें दिखावा करने वालों से सदैव दूर रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति को देखने के उपरांत मेरे अनुसार आपने समझा होगा दादी माँ पाठ का सार, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है इसका आपको ज्ञान हो गया होगा, पाठ में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन आपको समझ आ गया होगा, और अंततः दादी माँ पाठ अर्थात कहानी का मूल भाव या उद्देश्य क्या है यह भी भली भांति आपको समझ आ गया होगा। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। तो अब विद्यार्थियों, आपके स्वयं के आकलन के लिए मैं कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और प्रश्नों के उत्तर साथ साथ लिखते रहें। जब मैं इनके उत्तर आपको बताऊं तो उनका आप मिलान करते रहें। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? ऑप्शन है पिताजी की, भाई की, माता की, दादी माँ की, किसकी याद को? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है दादी माँ की। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, दादी माँ बुखार होने का अनुमान कैसे करती थी? थर्मामीटर से, दूसरों से पूछकर, शरीर छूकर या बीमार की आवाज से? सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। हाँ, तो विद्यार्थियों क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है शरीर छूकर। तीसरा प्रश्न, दादी माँ कहानी का लेखक कौन है? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन या प्रेमचंद? सोच समझकर उत्तर लिखिए। उम्मीद है आपने उत्तर लिख लिया होगा। तो इसका उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मुंह में चाकू का होना, ऊपर से दोस्ती का व्यवहार और मन में शत्रुता का भाव रखना, राम नाम जपना, कत्ल करना? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका उत्तर आपको आता होगा, क्योंकि मैंने पाठ के सार में कठिन शब्दों के अर्थ में इसे समझाया भी था। आपने उत्तर लिख लिया होगा तो मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ऊपर से दोस्ती का व्यवहार और मन में शत्रुता का भाव रखना। अगला प्रश्न ध्यान से सुने, लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? ऑप्शन है किशन, राम, रमेश या पुरुषोत्तम? सोच समझकर उत्तर लिखिए। क्या था उनके बड़े भाई का नाम? क्या था उनके बड़े भाई का नाम? किशन था। अगला बहुविकल्पी प्रश्न आपके समक्ष, लेखक किशन की बारात में क्यों नहीं गया था? परीक्षा के कारण, जानबूझकर
बीमारी के कारण इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है बीमारी के कारण। अरे विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष। दादी माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है किशन, रामी, दादी या लेखक स्वयं। सोच समझकर उत्तर दें। इस कहानी का मुख्य पात्र अर्थात दादी माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है दादी। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। आपने मेरी इस प्रस्तुति को बड़े ध्यान से सुना तथा समझा। मैं अंत में आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।